सेंट जेरोम फोर्ट में, इसको नानी दमन फोर्ट भी कहा जाता है, और ये है जेट्टी दमन, नानी दमन जेट्टी को लोकेटेड, और यहाँ पर है दो एंट्रेंस और अंदर है अवर लेडी ऑफ द सी का चर्च। तो ये अभी हम लोग अंदर कंपाउंड एरिया में आ चुके हैं और ये एक छोटा फोर्ट है, यहाँ पर दो एंट्रेंस है और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो अभी हम लोग ये फोर्ट के ऊपर चढ़े के, और मेरे पीछे है सेमेट्री। से थोड़ा चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा तो ऊपर से पूरा फोर्ट का व्यू आएगा। और ये देखो, ये जो है ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस है और सेकेंड एंट्रेंस है वो पीछे की तरफ। यहाँ से पहले ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये पूरा फोर्ट का वॉकवे है, ये पूरी फोर्ट की वॉल्स की ऊपर की जगह है जो कि बहुत ज़्यादा हाइटेड वॉल्स है, और यहाँ से आप सब एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हो। अब मेरे पीछे जो ये पॉइंट देखते हो इसे कहते हैं बेस्टियन। तो ये फोर्ट में टोटल तीन बेस्टियन है, और बेस्टियन का काम ये रहता है कि यहाँ से इन लोग निगरानी रखते हैं फोर्ट की और यहाँ से अटैक करते हैं। तो देखो दूसरे सब साइड्स ये कवर्ड है और एक विंडो यहाँ पर है, विंडो में से इन लोग ये देखो यहाँ से टारगेट लेते हैं और यहाँ से अटैक करते हैं अगर कोई भी फोर्ट की तरफ अप्रोच हो रहा है तो। ऐसे तीन बास्टियंस हैं ये फोर्ट में। सो बाय वॉकिंग ऑन दिस वॉल यू कैन सी दैट दिस वॉल इज अ लिटल बिट ऑन द हायर साइड एज कम्पेयर टू अदर वॉल्स। सो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर आप खड़े रहोगे तब पूरा सी का जो व्यू है वो टोटली जहाँ तक आपकी विजन रहेगी वहाँ तक आपको सी दिखेगा। और यहाँ से ही होती थी पूरी मतलब निगरानी, तो थोड़ा चौक हो गया, लेकिन ये जो सब ब्लॉक्स एंड वॉल्स थे ये यहाँ से जो है गर्म तेल वगैरह डाला जाता था कि कोई भी जो एनिमी है वो उसके ऊपर अप्रोच ना कर सके। और ये थिकनेस देखो आप, सिर्फ कितनी थिक वॉल है कि इसको अगर कुछ भी चीज़ से वार भी करा गया इसके ऊपर, इफ़ यू बॉम्बार्ड ऑन दिस इसको कुछ नहीं होगा। और ये ड्रेनेज सिस्टम भी तभी भी थोड़ी ड्रेनेज की ध्यान रखा गया था, ड्रेनेज देखो प्रॉपर ड्रेन है कि यहाँ पर पानी ना भर जाए। और बारिश स्टार्ट हो गया अभी। तो ये अपर पार्ट है, यहाँ से भी डायरेक्ट नीचे जाने के लिए रास्ता है, इधर से आप जाओगे तो डायरेक्ट नीचे जा पाओगे और यहाँ से बाहर एक्सेस कर पाओगे। और एक और रोड जा रहा है वो भी ये देखो, ऊपर से नीचे वापस फोर्ट में जाने के लिए ये रास्ता है। एक और जो एंट्रेंस रोड है वो ये है, दिस इज द सेकेंड बेस्टियन। एज आई सेड देयर आर टोटल थ्री बेस्टियंस ऑन दिस फोर्ट, सो दिस वन इज द सेकेंड, द फर्स्ट वी ऑलरेडी सो, and the third one we will see further. See, that's the third one, this is the third one. Right now we are standing on the back side of our lady of the sea church jo ki fort ke andar hi hai, aur ye uski proper exact back side hai. Yahan hum chal ke ek walk around kar rahe pure fort ko, to ye pura 360 puri sab direction access kar sakte hai fort ki yahan se. Can you just guess what's the thickness of this fort? I can say it's around 4 meters or 3.5 meters, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक है। अब आप सोचो अगर 4 meter या 3.5 meter की अगर thickness हो कितना बड़ा फोर्ट होगा। और ये चीज़ मुझे नहीं पता ये क्या mark करी गई है, अगर आपको ये पता होगा क्योंकि फोर्ट ने वहाँ पर भी mark करा था वो साइड पर और यहाँ पर भी marked है। I don't know what is this, but अगर comment में किसी को पता रहे तो वो ज़रूर बोलो। इसमें बीच में यहाँ पर नेल डाला गया है और ये एक डायरेक्शन बनाई गई है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस।
रिसेंटली पता चला कि ये जो क्रॉस है इसको भी अभी 100 ईयर्स होने को आए हैं ये क्रॉस को। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर आई विल गाइड यू हाउ टू कम हियर। अगर आप वापी से आ रहे हो और रेलवे स्टेशन से आ रहे हो दमन की ओर तो आपको टैक्सीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो टैक्सी आएगी इधर दमन बस स्टॉप के पास तक। अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हो तो आप सीधा नानी दमन जेट्टी बोलो तो नानी दमन जेट्टी मतलब वहाँ पर आपको ये फोर्ट दिख ही जाएगा और सामने की ओर ही है मोटी दमन फोर्ट। तो ब्रिज क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल और यहाँ पर ओपन रहता है, कोई एंट्री फी वगैरह कुछ नहीं है, आप आ सकते हो यहाँ पर। हिस्ट्री मैंने कही, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हिस्ट्री पता ही चल जाएगी। और दूसरी बात कि यहाँ पर आओ, फोटो वगैरह खींचो और जो लोकल अट्रैक्शंस है उसको भी प्रमोट करो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर यहाँ तक आप बने हैं तो आप मेरे जो है लॉयल व्यूअर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।